Good morning, students. I am Vijay Shankul, Assistant Professor, IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore. Today, I am going to deliver a topic, carburetor, which is related to the subject heavy vehicle, automobile engineering and safety. First of all, what is carburetor? तो कार्बोरेशन क्या है? सबसे पहले हम इसे समझे. कार्बोरेशन supply to the engine continuously a suitable combustible mixture of vaporized fuel and air. यहां से हम ये समझते हैं कि कार्बोरेशन जो है, कार्बोरेशन क्या है? तो कार्बोरेशन मींस कि इंजन के अंदर हम कंटिन्यूअसली सुटेबल कंबस्टेबल मिक्सचर को हम सप्लाई करते हैं, जो कि वेपोराइज्ड फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है. The process of carburetion, the first carburetion की process जो है, perfect carburetion के लिए हमें तीन condition required होती हैं. First one is current proportion of liquid fuel air for combustion. सेकेंड जो कंडीशन है, ऑटोमाइजेशन और ब्रेकिंग, ऑटोमाइजेशन और ब्रेकिंग अप into fine spray of the liquid stream with air and third one is necessary latent heat of
vaporization of liquid fuel. These are the three important conditions जो कि यहाँ पे हम कार्बोरेशन को होने कार्बोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए ये तीन कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जो कि यदि कंप्लीटली सही तरीके से यदि इंजन के अंदर कार्बोरेशन यदि हो रहा है तो उसमें सही तरीके से यदि हम कार्बोरेशन की प्रोसेस होगी तो इंजन में जो है कंबसन भी अच्छे से इंजन में आपका सही तरीके से आपका कंबसन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ लिक्विड फ्यूल एयर फॉर द कंबसन, मतलब आपका जो एयर और फ्यूल का प्रोपोर्शन है, मतलब कितना अमाउंट जो है एयर का और कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल का जो है मिक्स हो, ताकि आपका कंबसन सही तरीके से इंजन में सही तरीके से कंबसन हो। ऑटोमाइजेशन ऑफ ब्रेकिंग अप टू इनटू फाइन स्प्रे ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम विद एयर। ऑटोमाइजेशन एक प्रोसेस है यहाँ पे। ऑटोमाइजेशन मीन्स जो आपका फ्यूल होता है गैसोलीन, या ऐसा इंजन में यदि अपन बात करें तो गैसोलीन, और सीआई इंजन में आपका डीजल है, तो सही तरीके से उसका ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। ऑटोमाइजेशन मीन्स जो लिक्विड है वो लिक्विड जो है जब इंजन में आपका सप्लाई होता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में वहां पे इंजन के अंदर उसको जाना चाहिए, ताकि आपका पूरा एयर और फ्यूल का मिक्सचर सही तरीके से बन सके, और फाइन स्प्रे के फॉर्म में जब लिक्विड इंजन के अंदर जाएगा तो वहां पे कंबसन की प्रोसेस बिल्कुल सही ढंग से होगी। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड फ्यूल। या लेटेंट हीट से मतलब ये कि यदि आपको पर्टिकुलर वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए जितना हीट लेटेंट हीट का रिक्वायरमेंट है, यदि वहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट नहीं रहेगी तो वेपराइजेशन नहीं होगा, और वेपराइजेशन नहीं होगा तो वेपराइजेशन नहीं होने के कारण जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं बनेगा। जो थर्ड पॉइंट है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड फ्यूल। लेटेंट हीट से यहाँ पे मतलब है कि यदि आपका लेटेंट हीट एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट यदि नहीं वहां पे आपका प्रेजेंट रहता है तो वहां पे एयर और फ्यूल का जो है मतलब वेपराइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है सही तरीके से जो है वेपराइज नहीं होगा, जिससे कि आपका कंबसन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इन द एसआई इंजन कंबस्टिबल फ्यूल एयर मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड आउटसाइड द इंजन सिलेंडर्स। मतलब जब जो कार्बोरेशन की प्रोसेस है वो जो है मिक्सिंग चैम्बर में, जहां पे हम बोले कि जो कि आपका कार्बोरेटर के बाद जो एक ट्यूब होती है, जो पाइप होती है उसमें, उसको हम मिक्सिंग चैम्बर बोलते हैं, तो वहां पे ये प्रोसेस एसआई इंजन में उसके आउटसाइड इंजन के आउटसाइड मिक्सअप होता है एयर फ्यूल का रेशो, उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होती है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग कंबस्टिबल चार्ज टू द इंजन सिलेंडर इज टर्म्ड कार्बोरेशन। तो यहां पे यदि हम कार्बोरेशन को यदि डिफाइन करें तो कार्बोरेशन क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ए कंबस्टिबल चार्ज टू द इंजन सिलेंडर
is termed carburetor. तो carburetion क्या होगा? ये carburetion, the process of delivering a combustible charge, to the engine cylinder is termed carburetion. अब हम जो है the factors affects the carburetion process. कौन कौन से factors हैं जो carburetion को affect करते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं. Factors the factors affects the carburetion process. सबसे पहले नंबर पे जो है पहला फैक्टर है द टाइम आर अवेलेबल. Preparation of the air fuel mixture. Second one, the temperature of the incoming air. Third है the quality of the fuel being used. And fourth one है the design of the induction system and combustion chamber. तो यहाँ पे mainly four factor है जो कि carburetion की process को affect करते हैं. That means यहाँ पे पहला factor जो है the time available for the proportion of the air fuel mixture. यदि हम time की बात करें कि यदि air और fuel के mixture को बनने के लिए कुछ ना कुछ तो time चाहिए, ठीक है? तो जैसा हम जानते हैं कि यदि 3000 आरपीएम पे यदि इंजन रन करता है तो 0.02 सेकंड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब 0.02 सेकंड टाइम उसको लगता है उसके मतलब फॉर द उसके कार्बोरेटर प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो यहां पे टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यदि टाइम sufficient amount of time यदि मिल नहीं पाएगा तो proper mixture prepare नहीं हो पाएगा. सीधा सा यदि हम उसको बोलें कि थोड़ा बहुत time तो यहाँ पे उसको उस process को complete होने के लिए time एक बहुत important parameter है. Second one is the temperature of the coming air. Temperature की यदि हम बात करें कि यदि air का temperature यदि ज़्यादा है, suppose जो बाहर से air जो है engine के अंदर हम ले रहे हैं उस एयर का टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो इजीली आपका जो है एयर फ्यूल मिक्सचर जो है
वेपोराइज्ड हो जाएगा, उसमें ऑटोमाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सही तरीके से उसमें कार्बोरेशन प्रोसेस को और कंबसन को स्टार्ट करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ द फ्यूल बीइंग यूज्ड, क्वालिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पर्टिकुलर किस इंजन के लिए आप मतलब किस तरीके इंजन में आप फ्यूल आप किस टाइप का यूज करेंगे, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस ज्यादा हो। तो क्वालिटी इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर। एंड नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर जो है डिजाइन ऑफ द इंडक्शन सिस्टम है कंबसन चैम्बर, मतलब कंबसन चैम्बर की जो डिजाइन है उस पे भी आपका जो है कार्बोरेशन की प्रोसेस जो है अफेक्ट करती। अब ये तो कार्बोरेशन की प्रोसेस हमने अभी डिस्कस करी कि कार्बोरेशन क्या होता है। अब हम मेन पार्ट जो है हमारा कार्बोरेटर, कार्बोरेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर प्रिपेयर एंड डिलीवर ए होमो जीनियस मिक्सचर ऑफ एयर एंड एटोमाइज्ड फ्यूल टू सेटिस्फाई द मिक्सचर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन। तो द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर डिलीवर ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बेस यहाँ पर एयर और फ्यूल का जो अमाउंट है एज रिक्वायर्ड, जो इंजन को रिक्वायर होता है उस प्रोपोर्शन में हमें कार्बोरेटर जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एयर एंड ऑटोमाइज फ्यूल। ऑटोमाइज फ्यूल जैसे कि मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि ऑटोमाइज फ्यूल मतलब कि फ्यूल जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है और ऑटोमाइजेशन होने के लिए उसको हम एक स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, लिक्विड ड्रॉप्स को जो है बिल्कुल वेपराइज्ड करने के लिए हमें जो वेपराइज्ड जो फॉर्म होता है उसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो ऑटोमाइजेशन कहलाता है। सेटिस्फाई द मिक्सचर रिक्वायरमेंट्स मतलब जब इंजन को किस कंडीशन में कितना एयर फ्यूल का रेशो जो चाहिए वो उसको सेटिस्फाई करता है कार्बोरेटर इन द ऑपरेटिंग कंडीशन। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। पॉज। अब हम यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर, एक सिंपल कार्बोरेटर जो है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है ऑफ ए ऑटोमोबाइल फॉर फॉर एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। यहां से यदि हम देखें कि एयर जो है इस डायरेक्शन में जो है
सिलेंडर में यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर में यहाँ से नेक्स्ट जब पहुंच रहा है तो सिलेंडर में पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है फ्यूल सप्लाई है, मेन आपका जो फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई होती है, ये फ्यूल सप्लाई है। दिस इज द मेन फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई से यहाँ पे फ्यूल जो है कार्बोरेटर की फ्लोट चैम्बर में आता है ना। फ्लोट चैम्बर में एक फ्लोट लगा हुआ रहता है, इसको हम फ्लोट बोलते हैं। ये जो फ्लोट है या तो प्लास्टिक का या कॉपर का लाइट वेट फ्लोट बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नेडल वाल्व होता है, जैसे ही फ्यूल जो है इस डायरेक्शन से यहाँ पे आता है तो ये फ्लूड जो फ्यूल है उसमें फ्लोट आपका तैरने लगता है, ठीक है। जैसे ही सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है यहाँ पे इस फ्लोट चैम्बर में भर जाता है तो आपका जो है यहाँ से सप्लाई क्लोज हो जाती है। मतलब आपका जो फ्लोट चैम्बर है एक रिजर्वायर के जिससे काम करता है, ठीक है। जब जब इसमें फ्यूल का लेवल नीचे जाता है तो यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द रिजर्वायर ऑफ द कार्बोरेटर टू सप्लाई सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्यूल इन टू द मिक्सिंग चैम्बर। यहाँ पे जो है हम इसको बोलेंगे दिस इज द मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर में जो है फ्यूल इस डायरेक्शन में होके यहाँ पे जो है फ्यूल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्यूल रिलीज होता है। अब ये रिलीज कैसे होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब है इसको वेंचुरी मीटर के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे जहां पे आपका फ्यूल है ये जो रिलीज हो रहा है आप फ्यूल ये इसको हम बोलते हैं वेंचुरी थ्रॉट, ठीक है। तो वेंचुरी का क्या काम होता है, वेंचुरी जो है यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं कि इस तरफ से ऊपर की तरफ जो है एयर फ्लो करता है, तो एयर फ्लो जब करेगा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, और प्रेशर ड्रॉप जब होगा तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे फ्यूल जो है रिलीज होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर फ्यूल एयर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे जो है फ्यूल ऑटोमेटिक सप्लाई होने लगेगा। अब यहाँ पे जो थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व डायरेक्टली यदि हम बात करें तो थ्रोटल वाल्व एक लिंक के थ्रू आपके एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर से